इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह नोकिया 105 डबल एस मोबाइल पर से सिक्योरिटी कोड किस तरह हटा सकते हैं, यानी फ़ोन सिक्योरिटी किस तरह बंद कर सकते हैं। तो ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी मोबाइल बंद है तो मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ। मोबाइल ऑन हो रहा है। और अभी इस पर सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, मुझे ये हटाना है। ये मोबाइल जब तक ओपन नहीं होगा जब तक मैं इस पर सिक्योरिटी कोड इंटर नहीं करूँगा। तो मुझे यही सिक्योरिटी कोड को हटाना है यहाँ से। तो किस तरह हटा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कोड इंटर कर लेता हूँ। नोकिया 105 डबल एस मोबाइल पर से सिक्योरिटी कोड हटाने के लिए आपको सबसे पहले मेनू पर जाना है और इस बटन से नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा सेटिंग का आइकन, इस बटन से इधर आना है और आपको सेटिंग्स ओपन करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी सेटिंग, आपको इसे सिलेक्ट करना है। और अभी फ़ोन सिक्योरिटी ऑन है, मुझे इसे ऑफ़ करना है, तो आपको ये बटन दबाना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड इंटर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नोकिया 105 का सिक्योरिटी कोड होता है 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपका भी यही होगा तो आपको ये इंटर करना है। और अगर आपने चेंज कर लिया होगा तो जो आपने सेट किया होगा वो आपको इंटर करना पड़ेगा। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ही सिक्योरिटी कोड था 1, 2, 3, 4, 5 और आपको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको ऑफ पर आकर सिलेक्ट करना है। इस तरह आप फोन सिक्योरिटी ऑफ कर सकते हैं और फिर आपको बैक आ जाना है। अब मैं दोबारा से मोबाइल को स्विच ऑफ करता हूं और मोबाइल को ऑन करता हूं। और अब आप देखना कि अब ये सिक्योरिटी कोड नहीं मांगेगा।